Yes, good morning, students. How are you, beta? May you will be fine. आज का जो लेक्चर है बेटा हमारा वो है अर्थालंकार. हम जो है शब्दालंकार कर चुके हैं. शब्दालंकार एक बार मैं बता देती हूँ, हमने किए हैं अनुप्रास, यमक और शलेश. तो अब बारी है बेटा अर्थालंकारों की. ठीक है, तो अर्थालंकारों का जो संबंध होता है वो भावों की सुंदरता से होता है, कि जो भाव हैं कविता के वो कैसे हैं. तो जो अर्थालंकार होते हैं उनका जो संबंध होता है वो होता है भावों की सुंदरता से, कि भाव कैसे हैं, कि जब हम भाव जो है अनुभूति पूर्ण ढंग से, चमत्कार पूर्ण ढंग से जो है भाव जब व्यक्त किए जाते हैं तो वहां कौन सा अलंकार, कौन से अलंकार होते हैं, वहां होते हैं अर्थालंकार. जब भावों को चमत्कार पूर्ण ढंग से व्यक्त किया जाता है तो वो होते हैं हमारे अर्थालंकार, जहां अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है. तो जहां काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है, उन्हें हम अर्थालंकार कहते हैं. ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन आता है कि अलंकार के कितने भेद हैं, तो आप तीन भेद लिखेंगे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और हमारा था उभय अलंकार. और कई जो बुक है उसमें आपको दो भी भेद मिलेंगे, शब्द और अलंकार और अर्थालंकार. उभय अलंकार जो है हमारा ज्यादातर, मतलब इतना जितना हमारे शब्दालंकार और अर्थालंकार हमारे प्रयोग होते हैं, उभय अलंकार इतना प्रयोग नहीं होता है. अब जो है सबसे पहले हमारे जो अर्थालंकार है बेटा, सबसे पहले है हमारा उपमा अलंकार. ठीक है, तो उपमा अलंकार में है हमारे क्या होता है उपमा अलंकार. सबसे पहले समझेंगे हम उपमा होता क्या है, कि जब किसी भी संसार में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, वस्तु है, जब हम उसकी तुलना सामान्य वस्तु से करते हैं, जब कोई संसार की प्रसिद्ध वस्तु है, जैसे चंद्रमा है, सूरज है, गुलाब है, तो ये संसार की जो कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति है या वस्तु है, ये जब उसकी तुलना किसी असामान्य वस्तु से करते हैं, उस सामान्य वस्तु को अच्छा बताने के लिए जब हम उस वस्तु की तुलना असामान्य वस्तु से करते हैं, तो कोई भी संसार की प्रसिद्ध चीज से जब सामान्य चीज की तुलना की जाती है उस सामान्य चीज को अच्छा बताने के लिए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है. अब है परिभाषा, कि यदि आ जाता है कि उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए, तो क्या लिखेंगे बच्चे, हम लिखेंगे जहां उपमेय से उपमान की तुलना की जाए, जहां उपमेय से उपमान की तुलना की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है. अब देखिए बेटा, उपमा जो अलंकार है उसके चार भेद होते हैं, चार मतलब अंग होते हैं, भेद नहीं कह सकते हम इनको, अंग कहेंगे. जो उपमा अलंकार है उसमें चार अंग होते हैं. कौन कौन से होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म. ये चार चीजें जो है उपमा अलंकार में पाई जाती हैं. मैं फिर रिपीट कर रही हूं, क्या, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म. अब ये बार बार वर्ड आएंगे उपमेय और उपमान, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे, आगे जो अलंकार हैं उनमें भी उपमेय और उपमान जो है शब्द आते हैं. तो उपमेय और उपमान में जो जो शब्द आते हैं उनमें उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है. तो उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है वो होता है हमारा उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान. जिसकी तुलना की जाएगी वो होगा उपमेय, और जिससे तुलना की जाएगी मतलब जिससे समानता की जाती है वो होता है उपमेय, और जिसकी की जाती है उपमेय, और जिससे की जाती है वो उपमान. फिर समझिए बेटा ध्यान से, जिसकी समता की जाती है वो होता है उपमेय, और जिससे समता की जाती है वो होता है उपमान.
अब देखिए जैसे उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला, कि पीपल के पत्तों के समान मन का डोलना। अब देखिए पीपल के पत्ते के समान मन का डोलना, तो यहाँ उपमेय क्या है? मन। मन की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से। तो जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमा। अब यहाँ चार चीजें हैं, वाचक शब्द क्या है? सरिस, और साधारण धर्म क्या है यहाँ पर? डोलना। तो पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्तों के समान मन का डोलना। तो जो साधारण वस्तु है किसकी, जिसकी तुलना की गई, किसकी तुलना की गई यहाँ पर? मन की। तो मन क्या है यहाँ पर? उपमेय। और किससे तुलना की गई है? पीपल के पत्तों से। तो पीपर पात क्या है यहाँ पर? उपमान। तो जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहां पर जो है उपमा अलंकार होता है। और वाचक शब्द क्या है यहाँ पर? सरिस, दोनों की समानता जिस शब्द से दिखाई जाए। और साधारण धर्म है यहाँ पर डोलना। तो जिस उदाहरण में जो है चारों अंग होंगे वहां होगा पूर्णोपमा, और जिस उदाहरण में सिर्फ कुछ अंग होंगे, एक दो लुप्त होगा, एक दो होगा, एक दो नहीं होगा, तो वो होगा हमारा लुप्तोपमा अलंकार। तो लुप्तोपमा अलंकार और पूर्णोपमा अलंकार ये दो होंगे हमारे। तो बच्चों जो उपमा अलंकार है क्लियर है आपको? जहां जग प्रसिद्ध वस्तु की तुलना सामान्य वस्तु से की जाती है, किसी जग प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना सामान्य वस्तु से की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। इसकी परिभाषा होगी, जहां उपमेय से उपमान की तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमेय क्या होता है? जिस वस्तु की या व्यक्ति की तुलना की जाती है तो वो होता है उपमेय, और जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उपमेय, जिससे तुलना की जाती है उपमान। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए इसके उदाहरण जब हम देखेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम जो उपमा अलंकार है वो क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, पीपर पात सरिस माने डोला। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जो पीपर पात है उसके समान मन का डोलना, तो यहाँ किसकी तुलना की गई है? मन की तुलना की गई है, और किससे तुलना की गई है? पीपल के पत्तों से। अब देखिए और एग्जाम्पल देखिए बेटा, अदर एग्जाम्पल्स हैं हमारे, हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ भगवान के पैरों की तुलना किससे की गई है? भगवान के पैरों की तुलना है वो कमल से की गई है, तो कमल से। तो यहाँ से क्या है? यहाँ से जो है वाचक शब्द है, हरि पद कोमल कमल से, कोमल कमल से। तो कोमल यहाँ पर जो है क्या है? साधारण धर्म है। तो ये अलंकार हुआ हमारा पूर्णोपमा अलंकार, यानी कि इसमें सभी चीजें हैं, उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है और साधारण धर्म भी है। तो यहाँ पर अलंकार हुआ आपका पूर्णोपमा अलंकार। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे बेटा, नवल सुंदर श्याम शरीर, नवल सुंदर श्याम शरीर। तो नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। तो इस काव्यांश में जो नीरद है वो उपमान है, और श्याम शरीर जो है वो उपमेय है, और शी जो है सी है वाचक शब्द, और कल है समान धर्म। तो यहां पर भी पूर्ण उपमा अलंकार है। जैसे हमने पढ़ा था, स्वान रूप संसार है भूपन दे झकमारी, तो यह संसार तो कुत्ते की तरह भोंकता रहता है। तो यानी संसार की जो तुलना है वो किससे की गई है? कुत्ते से। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा बच्चों? उपमा अलंकार होगा।
लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। अब चांदी की सी उजली जाली, तो लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तो उजली जाली यानी उज्जवलता की जो तुलना है वो किससे की गई है, चांदी से। तो इसमें जो चांदी है वो क्या है, उपमान है, और उजली जाली क्या है, उपमेय। अब एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल देखिए बेटा। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। तो मुख बाल रवि सम लाल होकर, रवि क्या होता है, सूर्य, सम मीन्स समान, कि उसका जो मुख है वो रवि के समान लाल होकर ज्वाला के समान बोधित हुआ। तो यहाँ क्रोध से लाल मुख की प्रातःकाल से तुलना की गई है, प्रातःकाल के सूर्य से। तो यहाँ जो है मुख बाल रवि सम लाल होकर की क्रोध के कारण उसका जो मुख है वो सूरज के समान जो है लाल होकर ज्वाला जैसा जो है दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर जो है क्रोध से लाल मुख की तुलना किससे की गई है, प्रातःकाल के सूर्य से की गई है। हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। तो उसने क्रोध से भरकर एक शक्ति छोड़ी जो सांप के समान भयंकर थी। हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। तो उसने क्रोध से भरकर एक ऐसी शक्ति छोड़ी जो सांप के समान भयंकर थी। तो यहाँ शक्ति जो है उपमेय की तुलना किससे की गई है, नाग से। नाग जो है यहाँ उपमान है और शक्ति क्या है, यहाँ पर उपमेय है। तो उपमेय की तुलना किससे की गई है, उपमान से। नेक्स्ट एग्जांपल, वह किसले के से अंग वाला कहाँ है। तो यहाँ अंग की जो तुलना है वो किसले किसले से की गई है। तो अंग यहाँ पर उपमेय है और किसले यहाँ पर उपमान है। नील गगन से हृदय सा हो रहा, नील गगन से हृदय सा सो रहा। तो यहाँ नीले गगन की तुलना जो है शांत हृदय से, सह हृदय से की गई है। नेक्स्ट है तारा सी तुम सुंदर। तो यहाँ पर जो सुंदरी है वो क्या है, उपमेय है, और उसकी तुलना किससे की गई है, तारे से। तो तारा यहाँ पर क्या है, उपमान है। बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों। तो इसमें वैसे अगर ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, यदि कोई इस प्रकार की पंक्ति आ जाती है कि प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार बताइए, तो उनमें जो है आप देखेंगे कि सा सी सरिस, मतलब जो समानता के शब्द हैं, क्योंकि इस अलंकार में तुलना की जाती है, तो जो सा सी सरिस सम, तो इस प्रकार के जो है शब्द आपको मिलेंगे किसमें, उपमा अलंकार में। उपमा अलंकार कैसा अलंकार है, उपमा अलंकार हमारा अर्थालंकार है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। तो देखो सी आया है, सी सा सरिस, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, उपमा अलंकार। अब जो है एग्जाम्पल हम बहुत सारे कर चुके हैं। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। मैं आपको बेटा पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप अपने सारे एग्जाम्पल जो है नोटबुक में राइट करेंगे। हर एक जो है जो भी आपका अलंकार होता है उसके सभी एग्जाम्पल डेफिनेशन आप नोटबुक में अच्छे से राइट करेंगे, सुंदर सी हैंडराइटिंग में। नेक्स्ट है बेटा को एग्जाम्पल यह है, देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। तब तो बहता समय सिलासा जम जाएगा, माबुत सिलासी दृढ़ छाती। नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल, किरण की लालिमा सी लाल मदिरा में। तो ये सारे क्या है, सी सा सी सरिस, मतलब इस प्रकार के शब्द जो है आपको किसमें मिलेंगे, उपमा अलंकार में मिलेंगे, क्योंकि कई बार पंक्तियां
दी होती हैं और उसमें हमें पहचान करनी होती है कि अलंकार कौन सा है। तो तब हम देखेंगे कि इसमें जो शब्द है सा सी सरिस, यदि इस प्रकार के आपको शब्द दिखाई देते हैं उपमेय की तुलना उपमान से की गई है तो वहां जो है अलंकार होगा हमारा उपमा। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट जो अलंकार है हमारा, नेक्स्ट अलंकार में है हमारा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है हमारा? रूपक। रूपक भी क्या है हमारा? एक अर्थालंकार है। क्या है रूपक? अर्थालंकार है। तो रूपक में क्या है बेटा? रूपक का जो अर्थ होता है वो होता है एकता, मतलब वस्तुओं के बीच जो भिन्नता है उसको स्पष्ट करना रूपक अलंकार का गुण है। इसमें जो है पूर्ण साम्य होने के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप किया जाता है, यानी कि उपमेय और उपमान में भेद जो है समाप्त किया जाता है। देखिए उपमा में क्या था बेटा? दोनों की तुलना की जाती थी, लेकिन जो रूपक अलंकार है उसमें क्या है कि उपमेय और उपमान के भेद को समाप्त कर दिया जाता है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। मान लीजिए रामलीला चल रही है और उसमें कोई व्यक्ति जो है किसका रोल कर रहा है? रावण का रोल कर रहा है, तो हम क्या मानते हैं उस व्यक्ति को? कि वह रावण है, ठीक है, मानते हैं ना ऐसा? तो हम जो है उसको रावण ही मान लेते हैं, यानी कि उपमेय के भेद, उपमेय और जो उपमान के बीच जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि रियल रावण के बीच हम मतलब ऐसा महसूस करते हैं कि हम वास्तविक रावण को ही जो है रामलीला में देख रहे हैं। तो वो जो सिचुएशन है जहां जो वो परिस्थिति है जहां उपमेय में और उपमान की का जो भेद है वो समाप्त हो जाता है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, तो वहां पर होता है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों? रूपक अलंकार। जब हम एग्जाम्पल, अब इसकी जो अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो क्या लिखेंगे हम? जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो, यानी कि जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों। चरण कमल बंदौ भरी राई। अब देखिए चरण क्या है? कमल के समान कोमल है, तो चरणों को ही कमल मान दिया गया है। मैं भगवान के चरण रूपी कमलों की, मैं भगवान के जो कमल रूपी चरण हैं उनकी वंदना करता हूं। तो चरणों को ही क्या मान लिया गया है? कमल। मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, तो मतलब जो भगवान के चरण हैं उनको ही कमल मान लिया गया है। तुलना नहीं की गई बच्चों, तुलना होती है उपमा अलंकार में। जब हम उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं तो वहां होता है हमारा रूपक अलंकार। अब जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे वैसे वैसे हमको हमारे को और अच्छी से समझ आएगा। तो जितने ज्यादा हम एग्जाम्पल करेंगे, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे व्याकरण की, उतनी ज्यादा हमें समझ आएगी। कभी भी व्याकरण डेफिनेशन से, परिभाषा से हमें समझ नहीं आती, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उससे हमें अच्छा समझ आता है। व्याकरण का हमेशा प्रैक्टिस, जितना हो सके उदाहरण इसके करें। अब देखिए एग्जाम्पल कर रहे हैं बेटा हम, उदाहरण कर रहे हैं रूपक अलंकार के। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। तो यहाँ जो है अंबर पर किसका आरोप है बेटा? कुए का। यानी कि अंबर को, आसमान को क्या मान लिया गया है? कुआ मान लिया गया है, और सितारों को घड़ा। की बीती विभावरी जागरी, की रात जो है रात्रि बीत चुकी है, और जो रात्रि रूपी नायिका है वो अंबर रूपी पनघट में जो है वो अपना जो है घड़े को डुबो रही है, और जो उषा है, सवेरा है, उस पर क्या आरोप है? नागरी का आरोप है, यानी कि सुंदर नायिका का आरोप है। तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही,
तारागढ़ उषा नागरी। तो उषा कौन है यहाँ पर? उषा जो है यहाँ पर बेटा, अंबर पर किसका आरोप है? कुए का। और सितारों पर किसका आरोप है? घड़े का। और उषा पर किसका आरोप है? सुंदर स्त्री का। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। यानी कि उपमेय पर किसका आरोप है? उपमान का। यानी कि उपमेय को भी मान मान लिया गया है। अंबर को क्या माना गया है? कुआ माना गया है। सितारों को क्या माना गया है? घड़ा माना गया है। और क्या है जो उषा है, सवेरा को क्या माना गया है? सुंदर स्त्री माना गया है। तो उषा रूपी सुंदर स्त्री अपने जो है सितारों रूपी घड़े को लेकर अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है, अंबर रूपी कुएं में। ठीक है, तो जहां उपमेय को ही हम उपमान समझते हैं वहां होता है रूपक अलंकार। दुख है जीवन तरु के मूल, कि जीवन जो है उपमेय पर, तरु का उपमान है। ठीक है, तो जीवन क्या है यहाँ पर? उपमेय। जीवन और तरु क्या है? उपमान। तो जीवन को क्या मान लिया गया है? तरु मान लिया गया है। पेट, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो चांद को क्या माना गया है? खिलौना। ठीक है, उपमेय में किसका आरोप है? उपमान का। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जन्मे महाकार। तो यहाँ दृग जो है उपमेय पर, फूल जो है उपमान का आरोप है। यानी कि जो दृग है, नेत्र है, उनको क्या मान लिया गया है? उनको पुष्प माना गया है, फूल माना गया है। मेरे अंतर में आते ही देव निरंतर कर जाते हो व्याथा भार, लघु भार बार कर कंज बढ़ाकर। तो क्या कहता है कि यहाँ कर जो है हाथ है, जो है उपमेय है, और कंज जो है कमल है। ध्यान से दोबारा फिर देखेंगे कि मेरे अंतर में आते ही देव निरंतर कर जाते हो व्याथा भार, लघु बार बार कर कंज बढ़ाकर। तो कर कंज बढ़ाकर, कर क्या होता है बेटा? हाथ होता है, कंज होता है कमल। तो अपने कमल रूपी हाथ बढ़ाकर, तो यहाँ हाथों पर किसका आरोप है? कमल का आरोप है। मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। तो मन उपमेय पर जो है भ्रमर तथा पद जो है चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है। मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कमल बसे हूं। तो यहाँ उपमेय पर मन जो है उपमेय है, और मधुकर जो है उसका, मधुकर का यानी कि भ्रमर, मन जो है भवरे के समान डोल रहा है। मन पर किसका आरोप है? भवरे का। और चरणों पर किसका आरोप है? कमल का। मन मधुकर, मन किसके समान? भवरे के समान। और पद किसके समान? कमल के समान। तो पद पर, पैरों पर किसका आरोप है चरणों पर? कमल का। और मन पर किसका आरोप है? भवरे का। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार। यानी कि जो जब उपमेय और उपमान, उपमेय को ही हम उपमान मान लेते हैं, तो जो मैंने एग्जांपल दिया है बेटा, अगर इसको आप माइंड में रखोगे कि जो मैंने रामलीला वाला आपको एग्जाम्पल दिया है, यदि आप इसको माइंड में रखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा रूपक अलंकार के रिगार्डिंग। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जितना हम उदाहरण करेंगे अच्छी तरह से, उतना ही हमारा जो है अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर होगा। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा, विषय नारी मन मीन भिन्न गति होत पल एक। तो यहाँ विषय वासना के ऊपर, वारी मीन्स जल, वारी क्या होता है? जल। तथा मन के ऊपर किसका? मीन यानी कि मछली का आरोप है। तो मन क्या है, कैसे जो है
उछलता रहता है कैसे, मछली की तरह। और विषय वासनाएं क्या है हमारी, विषय वासनाएं किसकी तरह है हमारी, जल की तरह। विषय नारी मन मीन, भिन्न गति होते पल एक। तो यहाँ विषय वासना के ऊपर आरोप है जल का और मन के ऊपर आरोप है मछली का, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों, रूपक अलंकार है। प्रेम सलिल से द्वेष का सारा मन धुल जाएगा। तो यहाँ प्रेम जो है उपमेय है और स्नेह जल जो है उपमान का आरोप है। प्रेम सलिल, प्रेम रूपी जल से, तो प्रेम को क्या मान लिया है यहाँ पर, जल मान लिया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। संत हंस गुण गही पय परिहर वारी विकार। यहाँ जो है संत हंस गुण, संत पर किसके गुणों का आरोप है, हंस के गुणों का। गुण पर पै, संत किसके समान होते हैं, हंस पर, हंस के समान। संत कैसे होते हैं, हंस के समान। संतों को मतलब हंस जैसा माना गया है। गुण पर पै दूध का वारी, और जो क्या है गुण पर क्या है, दूध का आरोप है। गुणों को क्या माना गया है, दूध का, दूध, और वारी पर विकार का आरोप है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। भुज मन चरण कवल अविनाशी, भजो मन चरण कवल अविनाशी। तो यहाँ चरण जो है इसके समान है, कमल क्या होता है, कमल, तो यहाँ चरणों को कमल के समान माना है। चरणों पर किसका आरोप है, कमल का आरोप है, तो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। दुख जल निधि डूबी का सहारा वहां है, दुख जल निधि। तो जल निधि क्या होता है बेटा, समुद्र। तो दुख में जो है समुद्र का आरोप होने के कारण दुख को क्या माना गया है, समुद्र। कि जैसे समुद्र गहरा होता है वैसे ही दुख भी गहरा होता है, तो दुख को ही क्या मान दिया गया है, समुद्र। जहां उपमेय को ही मान लिया जाए वहां होता है रूपक अलंकार। तो बच्चों यहाँ तक अब तक क्या है हमने, रूपक अलंकार। और कौन सा अलंकार हुआ है हमारा, उपमान अलंकार। अब जो है हमारा जो लास्ट 10 मिनट्स है बेटा, वो होंगे हमारे डाउट सेशन की। तो डाउट सेशन में इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक योर डाउट, इफ यू हैव नो डाउट देन आई विल चेक योर नोटबुक। प्लीज।